उत्तर प्रदेश की योगी राज में भी घूस लेना बंद नहीं हो रहा। आम जनता को छोटे छोटे कामों के लिए घूस देना पड़ रहा है। कर्मचारियों में योगी सरकार का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का है, जहां चौक कोतवाली के अंतर्गत सदर तहसील के लेखपाल उत्कर्ष वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें कि थाना सेहरा मऊ दक्षिणी के गाँव देवकली निवासी पीड़ित सुखपाल सिंह उत्तर स्वर्गीय श्रीराम स्वरूप सिंह ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु सन 2019 में हो गई, जिसके बाद उन्होंने वारिसान प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया, जिसकी जांच आरोपी लेखपाल उत्कर्ष वर्मा के पास आई। आरोपी लेखपाल उत्कर्ष वर्मा ने वारिसान प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद आज एंटी करप्शन टीम के द्वारा आरोपी लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी एक योजना बनाई गई, जिसके तहत आज एंटी करप्शन टीम ने आरोपी लेखपाल उत्कर्ष वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत के लिए शाहजहांपुर से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। हमने वारिसान सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। 2019 में हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। मैंने उस समय 16/7/2019 को वारिसान सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। अगले आदमी की हमने इच्छा पूर्ति नहीं की, मांग नहीं पूरी की, तो अगले ने मेरा पता गड़बड़ लिख के हमारा वो इधर उधर घुमा के वो कैंसिल करवा दिया। आज क्या हुआ? आज फिर हमने अभी जून में 1 तारीख को हमने अप्लाई किया था, जो 3 तारीख को SDM सदर की कोर्ट से लेखपाल के लिए वहाँ से चलाई थी हमारी प्रार्थना पत्र, उसमें भी लगातार मांग कर रहे। तो आज इनकी मांग पूर्ति करने के लिए हमारा वादा था और मुझे पैसा देना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधा था और उनमें अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। कितने रुपये की मांग की थी? 5,000।